एक्सक्यूज मी, तेरा मिलना ही मेरी चांद रात होगी इश्क। हेलो फ्रेंड्स, गुम है किसी के प्यार में शो से फेमस हुए नील भट्ट इन दिनों बिग बॉस 17 की वजह से काफी चर्चाओं में हैं। नील भट्ट अपनी बेमिसाल एक्टिंग, हैंडसम लुक के अलावा बिग बॉस 17 के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के लिए भी मशहूर हैं। दोस्तों, नील भट्ट एक लॉयर बनना चाहते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने लॉयर बनने के बाद एक्टर बनने का डिसीजन लिया? नेहा सरगम से क्यों टूटा था इनका रिश्ता? और नील कौन से गेम में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं? ऐसी ही नील भट्ट की जिंदगी से जुड़ी कई अनसुनी बातें इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लें अगर अभी तक ना किया हो तो। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। हो से जो सरकारियों का काम जिसे की हो मेरू बालम खाने। नील भट्ट का जन्म 4 अगस्त 1987 को बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। इनकी फैमिली में इनके फादर हिमांशु भट्ट, माँ सुनीता भट्ट के अलावा सिस्टर शिखा भट्ट हैं। नील भट्ट का बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था, इसीलिए वो स्कूल में होने वाली कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके अलावा नील स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहते थे और एक स्पोर्ट्समैन बनना उनका दूसरा सपना हुआ करता था। नील अपने कॉलेज के दौरान इंटर कॉलेज लॉ डिवीजन नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। बात करें इनकी क्वालिफिकेशन की तो जसविन एमएलए स्कूल गुजरात से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और इसके बाद जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और इसी दौरान इन्होंने एक्टिंग में भी कदम रख दिया था। इसके अलावा वो अपना करियर बतौर लॉयर भी स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर जब भी चाहे अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते थे। एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए इन्होंने काफी सारे ऑडिशन दिए, तभी साल 2006 में उन्हें सागर प्रोडक्शन शो के लिए कॉल आया, लेकिन अफसोस किसी कारणवश ये शो नहीं बन पाया। नील ने बताया कि पहले ऑडिशंस में उनकी फीकी एक्टिंग की वजह से उन्हें काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से ही उन्हें पृथ्वीराज चौहान के शो में यंग पृथ्वीराज की जगह के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग पर बहुत सुधार किया, जिसके बाद उन्होंने गुम है किसी के प्यार में सीरियल किया और इस सीरियल में उन्होंने आईपीएस विराट चौहान का किरदार निभाया था। इस शो ने इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई, बट इससे पहले भी नील ने दिया और बाती हम शो में आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभाया था। दोस्तों, इनके रामायण शो के दौरान माँ सीता का किरदार निभा चुकी नेहा सरगम के साथ इनके रिलेशनशिप की खबरें सामने आई थी, लेकिन नेहा और नील की तरफ से कभी भी इनके रिश्ते के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिली और कुछ टाइम बाद ये साथ में दिखना भी बंद हो गए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी लव स्टोरी और शादी तक के बारे में। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के सीरियल की को एक्ट्रेस रही ऐश्वर्या शर्मा से इन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, नील और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात गुम है किसी के प्यार में सीरियल के सेट पर ही हुई थी और इनके साथ चट मंगनी पट व्याह वाली कहावत हो गई। एक दूसरे को कुछ टाइम तक डेट करने के बाद नील ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और ऐश्वर्या भी मान गई, जिसके बाद रीति रिवाज के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, इन दिनों नील भट्ट और उनकी वाइफ ऐश्वर्या शर्मा बिग बॉस 17 में बेहद पसंद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बायोग्राफी एक्टर नील भट्ट की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दें, आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब मूव कर रहे तू, जब ग्रूव कर रहे तू, लाती है काया मत।